उधर छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है और आए दिन अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच प्रदेश में 47 नए मरीजों की पहचान की गई। इलाज के बाद 5 मरीज स्वस्थ हुए हैं, वहीं आज एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, राहत की बात है। जानकारी दे दें कि धमतरी जिले में कोरोना का फिर विस्फोट हुआ है, करीब 19 छात्राएं इस वायरस से संक्रमित हो गई। जानकारी के मुताबिक ये सभी छात्राएं जिले के नगरी गर्ल्स हॉस्टल में रहती हैं और इतनी बड़ी संख्या में कोरोना मरीज मिलने के बाद अब हड़कंप मच गया। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है, लिहाजा अब स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का हाल जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त दामिनी बंजारे रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। दामिनी, ये वाकई में टेंशन की बात है क्योंकि आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन धमतरी की हम बात करें तो एक साथ 19 छात्राएं कोरोना की चपेट में आ गई, बड़ा विस्फोट कोविड का यहां पर हुआ है। अब जरा ये बताइए कि स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं लोगों को जागरूक करने की दिशा में? देखिए, लगातार प्रदेश में कोरोना जो है अपना पैर पसार रहा है। आपको मैं बता दूं, आज भी जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाई गई है। आपको बता दें कि 1453 के आसपास, लगभग 1500 के आसपास जो प्रदेश भर में टेस्ट है वो कराए गए हैं, जिसमें संख्या जो है वो बढ़ गई है। और आपको लगातार, आपको बता दूं, रविवार को भी ये संख्या बढ़ी थी और कहीं ना कहीं आज जो आंकड़े सामने आए हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कोरोना अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है, कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही, संक्रमित जो मरीज है उनकी संख्या लगातार इजाफा होते जा रहा है। और आपको बता दें, ये मौसम के हिसाब से भी होता है, क्योंकि जितना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह भी कहना है कि पिछले वर्ष जिस वर्ष जो कोरोना आया था 2020-19 में जब भी आया था, उस वक्त जो था इसी समय पे, इसी मौसम पे जो संख्या थी उसमें वृद्धि हुई थी, और कहीं ना कहीं उसी का सीधा असर जो है आज फिर एक बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव के कारण सर्दी जुकाम जो है बच्चों में एक तरह से ज्यादा पाए जा रहे हैं, लोगों में ज्यादा होते जा रहे हैं, और इसी संक्रमण की वजह से ये कोरोना का रूप लेते जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, रायपुर में भी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, आज भी 14 मरीज जो है वो सामने आए हैं और लगातार इसकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 53 से ज्यादा, 50 के पार जो है वो कोरोना संक्रमितों की संख्या केवल राजधानी रायपुर में होगी, इवन प्रदेश भर की अगर बात करें तो 155 के पार जो है वो मरीजों की संख्या हो गई। और ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इस प्रकार के मामले जो है वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, जैसे कि धमतरी का आपने जिक्र किया था, धमतरी में जो है वो संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कल ही एक विस्फोट हुआ था जिसमें 19 छात्र जो कि हॉस्टल के थे उनमें कोरोना जो थे वो संक्रमित पाए गए थे। और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित पाए जाने का मुख्य कारण यही है कि मौसम का उतार चढ़ाव, एक तरह से जो लापरवाही है वो बरतता, क्योंकि सावधानी लोग नहीं बरत रहे, जिसकी वजह से एक तरह से स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पर आ गया है। जो चेकिंग है, टेस्टिंग है, वो मैपिंग के जरिए की जा रही है ज्यादा से ज्यादा, और ये बहुत जरूरी भी है दामिनी, ये बहुत जरूरी भी है कि छत्तीसगढ़ से सटे जो भी राज्य हैं वहां से आने जाने वालों पर निगरानी की जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि जितनी ज्यादा टेस्टिंग की जाएगी उतने ज्यादा मरीजों का आंकड़ा बढ़ेगा, तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति है। ऐसे में कंट्रोल करना होगा, काबू पाना होगा, और आमजन का सहयोग उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त सूरज भी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, 100 का आंकड़ा प्रदेश में पार कर चुका है कोरोना, इसके साथ ही रुड़मल नागर सांसद वो भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, तो ये जो स्थिति अब निर्मित होती जा रही है इसके लिए हम कितने तैयार हैं, मध्य प्रदेश प्रशासन कितना तैयार है, किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए, और किस प्रकार की निगरानी की जा रही है? बिल्कुल जी, निगरानी की बात करें तो सरकार तो लगातार युद्ध स्तर पर तैयारियां कर चुकी है, और खासतौर से अस्पतालों की बात हो तो तमाम सुविधाएं हैं वो चाक चौबंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता को इसमें भागीदारी दिखानी होगी, क्योंकि हमने देखा था कि कई बार जब भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं, जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो उससे ही कहीं ना कहीं संक्रमण फैलता है। हमने पिछले दो कोविड की बात करें तो पहले और सेकेंड फेज की बात हो तो अप्रैल में ही सबसे ज्यादा संक्रमण बढ़ा था, और यही हालत थी कि जो लॉकडाउन जैसी स्थितियां निर्मित हुई थी। ऐसे समय में, मौजूदा समय में फिर से अप्रैल का महीना और लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। एक दिन पुरानी बात करें तो पिछले 24 घंटे में 30 से 35 मरीज आए थे, और पिछले 24 घंटे की बात करें 14 मरीज हैं, वर्तमान में 101 का आंकड़ा पार हो चुका है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि धीरे धीरे संक्रमण जो है वो अपने पैर पसार रहा है। हाल ही में जिस तरीके से राजगढ़ जो सांसद है रुड़मल नागर, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो भी कोविड पॉजिटिव हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बचाव के उपाय वही है कि जो एक सोशल डिस्टेंस है, यानी कि उचित दूरी होना चाहिए, मास्क लगा
जाकर भीड़भाड़ इलाकों में जाएं और हाथों को साफ करते रहें, जो कि पहले हमने प्रैक्टिस काफी की है। और खासतौर से जो टीकाकरण है वो अभियान तो लगातार चल ही रहा है, जो प्रिकॉशन डोज है या जो कह सकते हैं सप्लीमेंट्री डोज है वो भी लोगों को लग चुका है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है पहले और दूसरे फेज में जिस तरीके से कोरोना बढ़ा था और वो कहीं ना कहीं बहुत जानलेवा भी साबित हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें कैसे जिंदगी बचाना है और कैसे सतर्क होना है इसको लेकर आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर सरकार के साथ हम इस महामारी से संक्रमण बढ़ने से रोक सकते हैं। निश्चित तौर पर, और सरकार अगर सख्ती दिखाए उससे पहले सूरज हम सभी को जागरूक होना होगा, गाइडलाइंस का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि इस कोरोना से मुक्ति पाई जा सके। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सूरज, इसके साथ ही दामिनी आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए।